हैमस्टर टोकन्स को होल्ड करें या फिर सेल करें। तो दोस्तों, चाहे आपका कोई भी एक्सचेंज वॉलेट हो, अब आपके माइंड में बस यही चीज आ रही है कि अभी हमको सेल करना चाहिए या फिर हमको होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, यही आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा पूरी अच्छी जानकारी के साथ। तो इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, ताकि आपको डेली अपडेट आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि दोस्तों बात आती है हैमस्टर टोकन्स की, जो हमने एक्सपेक्ट दोस्तों हमने किया था, उस टाइप से हमको प्राइस हमको देखने को नहीं मिला है। हमने दोस्तों जो एक्सपेक्ट किया था, वो हम सोच रहे थे कि 0.01 से 0.05 तक इसका दोस्तों प्राइस जाएगा, लेकिन ऐसा दोस्तों हुआ नहीं। ठीक है, हमने भाई 3 से 5 महीने तक हमने मेहनत की है। मेहनत करने के बाद दोस्तों हम सोच रहे थे कि हम भाई लखपति बन जाएंगे। भाई साहब, यहाँ पर तो भाई 1000 रुपये भी ठीक से नहीं बन रहे लोगों के, भाई कुछ भी नहीं कमा पा रहे लोग। अब बात इस चीज की आ रही है कि भाई आपको सेल करना है या फिर दोस्तों होल्ड करना है। अब जो जब ये भाई लिस्टिंग जब हुआ था हैमस्टर टोकन, ठीक है, उस टाइम पर इसका प्राइस गया था 0.009 तक दोस्तों चला गया था। ठीक है, फिर हम सोच रहे थे कि भाई बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है, जब बढ़ेगा तो भाई सेल कर देंगे। अब भाई इसी के चक्कर में, यही सोचने के चक्कर में भाई कोई भी सेल नहीं कर पाया। ठीक है भाई साहब, प्राइस इतना डाउन हो गया है, अब दोस्तों 0.0067 पहुंच गया है अभी जो लिस्टिंग में पहुंचा है। अब तो भाई पता नहीं बढ़ेगा या फिर घटेगा, कुछ अभी कुछ कह नहीं सकते हैं हम। ठीक है, अभी जो हमको देखने को मिल रहा है, बस यही देखने को मिल रहा है, बस भाई घट रहा है, इससे ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं हो रहा। अब आप सोच रहे हो, अगर हमने कर दिया सेल, सेल करने के बाद भाई आपको उस तरीके से आपको पैसे नहीं मिलेंगे जिस तरीके से आप सोच रहे थे कि भाई साहब मैं भाई लखपति बन जाऊंगा, मेरे को 50,000 रुपये मिलेंगे, मुझे 80,000 रुपये मिलेंगे, इस टाइप से सोचना दोस्तों छोड़ दीजिए, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जब भी आपको लगे, ठीक है, इसका प्राइस दोस्तों बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस दोस्तों अभी डाउन में जा रहा है बिल्कुल, ठीक है, अभी होल्ड पर आप रख दीजिए अगर आप मेरी मानो तो। ठीक है, जब भी आपको लगेगी भाई 0.008 तक भी अगर इसका पहुंच गया प्राइस, ठीक है, क्योंकि इसका भाई बीच में भी इसका पहुंचा था, ठीक है, फिर इसका डाउन में चला गया था, तो भाई आप सेल कर देना दोस्तों, कोई फायदा नहीं है भाई, चिल्लर कमा पा रहे हैं लोग इससे, और कुछ नहीं। ठीक है भाई साहब, इतनी मेहनत है भाई, किसी और चीज में करते तो भाई इससे ज्यादा रुपये कमा लेते हम। ठीक है, तो दोस्तों आप होल्ड रख लीजिए, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। अगर इसका प्राइस बढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो दोस्तों क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बता देना कि आपने कौन से वॉलेट आपने एक्सचेंज चूज किया था हैमस्टर कॉम्बैट के लिए। ठीक है, और कुछ वॉलेट के अंदर तो भाई साहब कॉइन भी शो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों EVI के अंदर भाई लोगों के कॉइन भी शो नहीं कर रहे हैं। बाइनेंस के अंदर भाई साहब बहुत दिक्कत आ रही है दोस्तों, बंदे विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। टोन कीपर में भी दोस्तों दिक्कत आ रही है, भाई सभी जितने भी वॉलेट है सभी में दोस्तों काफी दिक्कत देखने को मिल रही है। आपकी भी दोस्तों कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप बता सकते हो, इस वीडियो को लाइक करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।